मैं बताऊंगा कि हाइपरलिंक एंड बुकमार्क के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं और इसके बाद हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कोई नेट चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक रहता है। जैसे कि आपने कोई फेसबुक पर पोस्ट डाला और उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई कमेंट किया तो कमेंट में क्या होता है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ उसका नाम आता है और उसका प्रोफाइल जो है पीछे पूरा लिंक रहता है उससे। तो जैसे नाम पे क्लिक करोगे तो उसका प्रोफाइल ओपन हो जाता है, तो ये हाइपरलिंक कहलाता है। और उसके लिए आप यहाँ पर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप इसने किसी वर्ड को सेलेक्ट करके और आप यहाँ से जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है पहले से सेव, उसे हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं। और लिंक करने के बाद इसे ओपन करने के लिए आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, और कंट्रोल दबाना है और माउस से क्लिक दबाना है। दबाने के बाद यस करने पर आपका ये आपका आ जाएगा, जो उसने इंडेक्स निखिल ने बनाया था वो आ गया। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात है, बस इसमें हम क्या कर सकते हैं किसी वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पर गया और वेबसाइट का यहाँ पर डालना है www.gbcti.info.blogspot करके ये पूरा मैंने वेबसाइट डाल दिया। और जैसे इसे ओके कर देंगे, जब भी ओपन कर लूँगा कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए नेट पे डायरेक्ट ओपन होगा, मेरा मोजिला या क्रोम खुलेगा। ओपन होने के बाद उसमें मेरा जो GBCTI का वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा इसमें पहली बार में टाइम लेता है, देखिए आ गया, देखिए ओपन हो गया और इसमें वेबसाइट ये ओपन होने लगा। तो मेरा नेट हाँ देखिए आ गया है। और इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट इस तरह से लॉग इन कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर और जाते हैं एमएस वर्ड में, इसको लिंक को रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए आप हाइपरलिंक पे जाओगे, इसके बाद रिमूव लिंक यहाँ से भी हम सेलेक्ट करके इसे भी रिमूव कर देते हैं। इसके बाद आता है बुकमार्क। बुकमार्क का होता है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ या लाइन को मार्क करके रखना, जैसे कि बुकमार्क में होता है ना, आप कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ या पेज है क्या करते हो, पेज को मोड़ देते हो या फिर वहाँ पर पैनर कुछ रख देते हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बस उसके लिए क्या कर सकते हो आप सेलेक्ट करके और बुकमार्क पर क्लिक करना है। बुकमार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई IMP इंपॉर्टेंट लिख के और ऐड कर देंगे। जब भी देखना हो कि हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा था लाइन, तो आप बुकमार्क पर क्लिक करोगे और गो टू जैसे करोगे तो आप यहां से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, इसके नीचे वाले पैराग्राफ को भी ऐड कर लेते हैं यहां से IMP और इसमें PP मैंने कुछ और नाम सेव कर दिया और इसके बाद ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहां से देखें गो टू जिस पे भी आप क्लिक करोगे आप वही ओपन हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।